दोस्तों वीवो V19 26 मार्च को लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, इसका कंफर्म लॉन्चिंग डेट रिवील हो चुका है। और इससे पहले का वीडियो में जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि इसी महीने लॉन्च हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को कंफर्म डेट नहीं बताया था। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस फ़ोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्चिंग डेट के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एलो ऐप ने। दोस्तों आपको अगर इंस्टेंटली ऑनलाइन लोन चाहिए तो आपके लिए हाजिर है इंडिया का पहला मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल ऐप, जो कि आपको बहुत ही कम समय में बेटर और वेरीफाइड लोन सर्विस प्रोवाइड करेगी। देखिए, लोन लेने के लिए आप अगर प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऐप का लिस्ट आ जाएगी, लेकिन आपको ये भी पता नहीं होती है कि ये सारे ऐप ट्रस्टेबल है या फिर फ्रॉड है। आपकी डॉक्यूमेंट्स का मिस यूज़ भी हो सकता है, मे भी हो भी सकता है। तो इसीलिए लोन लेने से पहले आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और जो मैं आप लोगों को इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ, प्ले स्टोर में इस ऐप का रेटिंग देख लीजिए, कॉमेंट देख लीजिए, बहुत अच्छा रेटिंग है, बहुत अच्छा कॉमेंट है, तो इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप के साथ बहुत सारा बैंक जुड़े हैं, इन बैंक को आप आपस में कंपेयर करके आप अपने लिए जो सही होगा वो लोन ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अब बात कर लेते हैं वीवो V19 के बारे में। दोस्तों वीवो का वी सीरीज के अंदर जितने भी फ़ोन लॉन्च हुआ है, इन सारे फ़ोन में कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है। और आप अगर कैमरा के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेटर हो सकता है। दोस्तों आपने शायद नोटिस किया होगा वीवो का वी सीरीज़ के अंदर पॉपअप कैमरा मिलते हैं, लेकिन इस बार वीवो V19 में आपको डुअल अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलते हैं, जिसमें 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होने वाला है और एक होने वाला है 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल में फोटो क्लिक करेगा। जब आप ग्रुप सेल्फी लेंगे तब ये कैमरा आपका काम आएगा। और अब डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, और उसके साथ डिस्प्ले में देखने को मिलेगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। भाई यार, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं, प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों इस फोन की बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगी, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का 586 का सेंसर यूज किया जाएगा, और उसी के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगी। यहाँ पर फोन की बैक साइड की डिजाइन कुछ रेडमी नोट 9 प्रो के जैसे ही होने वाला है, जो कि सिल्क पॉलीकार्बोनेट ग्लास का बैक के साथ आएगा, और उसी के साथ टॉप साइड में क्वाड रियर कैमरा जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही दिया। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज ऑक्टाकोर क्लॉक स्पीड पर रन करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, आपने शायद नोटिस किया होगा वीवो का वी सीरीज के अंदर जितने भी फ़ोन आए हैं उन सारे फ़ोन का प्रोसेसर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि भाई ये कैमरे के लिए बना है तो प्रोसेसर तो घटिया देखने को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और ये कन्फर्म है, मतलब इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ कन्फर्म है। और उसी के साथ टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगी, और हाँ ये फ़ोन 33 वाट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, सो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। भाई यार, इस फोन की प्राइसिंग के बारे में सुनेंगे तो माथा घूम जाएगा, मतलब दिमाग सटिया जाएगा। इस फोन की प्राइस, मतलब 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 24 से 25 हज़ार रुपये तक हो सकता है। और लॉन्च डेट के बारे में मैं आप लोगों को तो पहले ही बता ही दिया था। तो भाई यार, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनते हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।